A very good morning to all my dear students. Class, in this video I am going to start chapter number 4. Class, मैंने अभी chapter number 3 को discuss किया है. Sorry, मैंने अभी chapter number 3 को skip किया है, अभी छोड़ दिया है. We will discuss this chapter later. Okay, हम chapter number 3 को बाद में discuss करेंगे. So today I am going to start chapter number 4. Formatting and printing Word and documents. Class, what is the meaning of this chapter? What is the meaning of formatting? Formatting means to do any changes. Word में हम जब कोई भी एक अपना word बनाते हैं तो उसमें हमें कोई भी format करना, उसमें कोई भी changes करना. हमने एक file बनाई तो उसको हम printouts कैसे निकालेंगे? Yeah. So in this chapter we will going to discuss all those things. Okay. So Microsoft Word. Class, what is Microsoft Word? Microsoft Word is a popular word processor. Class, Microsoft Word is a word processor. You have to understand this thing. Microsoft Word एक word processor होता है. Okay. It enables you to create a variety of documents. Class, with the help of Microsoft Word, you can create a document. आप document create करते हो, such as letters and reports. कैसे documents? कोई भी letter, you are writing an application. If you want to write an application, class, आप application लिखना चाहते हो and you want to get the printout of that application. So where you have to write that application? In MS Word. ठीक है, आपको कोई भी application लिखनी है, you write a letter, you want a report, or there are wide uses of MS Word. बहुत सारे यूजेस होते हैं एमएस वर्ड के. ऑलराइट, सो क्लास आज हम इस चैप्टर को थोड़ा एलैबोरेट करेंगे. ओके, सो क्लास फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन वो आई वांट टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन अबाउट विंडोज. ये जो विंडो होती है इसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे. क्लास, If you see in this figure, मैं कुछ चीजों को एरो की हेल्प से पॉइंट आउट करूंगी और आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. क्लास सी, यहाँ पे मेरा एरो गया है, दिस इज होम. यस, यहाँ पे वी हैव राइट होम व्यू. यस, वी हैव टू ऑप्शंस. क्लास, देर आर ऑल्सो सो मेनी ऑप्शंस, लेकिन मेरे अभी सिर्फ दो ऑप्शन अवेलेबल है. सो क्लास, होम एंड व्यू, ये जो होती है होम एंड व्यू, व्हाट वी कॉल्ड टैब. क्या बोलते हैं हम इनको? टैब. ठीक है, ओके. इफ आई आस्क यू वेयर यू हैव टू डू चेंजेस इन बोल्ड, तो मैं बोलूंगी सबसे पहले मैं होम टैब पे जाऊंगी. ओके क्लास, होम एंड व्यू इज अ टैब, फाइल इज अ टैब. ओके, इन सबको हम क्या बोलते हैं? टैब. ओके एंड क्लास, नाउ व्हाट आई हैव? टाइटल बार. क्लास, What is title bar? देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है नेहा एंड वर्डपैड. मैंने अपनी फाइल को अपने नाम से सेव किया हुआ है, नेहा नाम से. So class, what is the meaning of this? This is the title of the file. इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे टाइटल होता है फाइल का. ऑल राइट, नाउ वी हैव क्विक एक्सेस टूल बार. क्लास, कैन यू सी दिस? अगर आप इसे देखो, यहाँ पे देखो, ये सब जो मैंने क्लिक करे हैं, ठीक है, ये सब, व्हाट वी कॉल्ड दिस? यहाँ पे एक और ऑप्शन आया है. यहाँ पे देखो, जब एक ऑप्शन आया तो इसमें आया कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार. क्लास, इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार. ऑलराइट, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार. सो क्लास, यहाँ पे था होम. जैसे मैंने होम टैब को क्लिक करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने भी व्यू टैब को क्लिक करा, अगेन आई क्लिक दी होम टैब एंड नाउ व्हाट वी राइट? यहाँ पे लिखा है होम टैब में वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप. वी हैव क्लिप बोर्ड, वी हैव फॉन्ट, वी हैव पैराग्राफ, वी हैव इंसर्ट, वी हैव एडिटिंग. सो व्हाट वी कॉल दिस थिंग? इनको हम बोलते हैं ग्रुप. क्या बोलते हैं? ग्रुप. दिस इज टैब एंड दिस इज ग्रुप. क्लास, अगर मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन पे जाना है तो फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड विच टैब आई हैव टू क्लिक. पहले मुझे ये समझना होगा कि मैं कौन सी टैब पे क्लिक करूंगी. आफ्टर टैब आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे कौन से ग्रुप पे जाना है. जैसे मुझे बोल्ड करना है टेक्स्ट को, तो पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? टैब पे. देन आई हैव टू सी द ग्रुप. ओके, उसके बाद हमें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी का घर सर्च करना चाहते हो, ठीक है, आपको उसका घर नहीं पता, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप स्ट्रीट, यस, पहले आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने स्ट्रीट को ढूंढा, ठीक है,
या फिर ये मान सकते हैं, पहले आपने बोला कि उस जगह का नाम क्या है, तो दिस इज होम, स्ट्रीट क्या है, फॉन्ट, और ये जो ऑप्शन है ये क्या है आपका, डायरेक्ट घर. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड अवर टैब्स एंड दिस इज अवर ग्रुप्स. फॉन्ट इज अ नेम, फॉन्ट इज अ ग्रुप, पैराग्राफ इज अ ग्रुप, इंसर्ट इज अ ग्रुप. ओके, क्लास कर्सर, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो एक लाइन आ गई, इस लाइन को हम बोलते हैं कर्सर, व्हाट वी कॉल्ड कर्सर. एंड क्लास ये जो मैंने लिखा हुआ है जहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जितना भी व्हाइट व्हाइट पोर्शन आ रहा है इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, व्हाट वी कॉल्ड डॉक्यूमेंट एरिया. क्लास नाउ वी हैव वन मोर थिंग, आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये लिखा है 100% जूम आउट, जूम इन, यस, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, मतलब ये स्टेटस शो करता रहता है हमारे डॉक्यूमेंट का. ऑल राइट, एंड क्लास ये सब हमारे स्क्रॉल बटन होते हैं जिससे हम स्क्रॉल करते हैं. ओके, टैब्स मैं आपको बता चुकी हूँ, टाइटल बार मैं आपको बता चुकी हूँ. क्लास ये जो होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये सब हमारे क्या होते हैं, व्हाट वी कॉल्ड ऑल दिस थिंग, विंडो कंट्रोल बटन. विंडो कंट्रोल मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी विंडो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है. और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं, देखो क्लास ये जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रिबन, व्हाट वी कॉल दिस पोर्शन, रिबन. ओके, सो क्लास ये सब हमारा कुछ विंडो का, विंडो हमारे कुछ, हमने विंडो के बारे में डिस्कस किया. एंड आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, यू हैव टू नो व्हाट इज टैब एंड व्हाट इज ग्रुप. ग्रुप एंड टैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर क्लास आपको ये पता चल गया इन विच टैब यू हैव टू क्लिक, कौन से टैब पे क्लिक करके कौन से ऑप्शन पे जाना है, तो आपके आधे क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. ऑल राइट, सो क्लास, एंड वन थिंग मोर, हम अपनी फाइल को सेव कैसे करते हैं. क्लास किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद मैं अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करूंगी, फाइल ऑप्शन पे जाके व्हाट आई हैव टू डू, क्लिक सेव. ओके, सेव, तो क्लास मेरी तो ऑलरेडी फाइल सेव है, ठीक है. अब देखो दो ऑप्शन होते हैं, आई हैव सेव ऑप्शन एंड आई हैव सेव एज ऑप्शन. तो क्लास देखो मेरी फाइल ऑलरेडी सेव है, ठीक है, तो ये सेव हो गई. सेव एज में क्या होगा, क्लास सेव एज हम कब यूज करते हैं, देखो मेरी फाइल ऑलरेडी सेव है लेकिन मैं अपनी फाइल के नाम को चेंज करना चाहती हूँ, मैं नेहा वन करना चाहती हूँ, ठीक है. सेव एज ऑप्शन कब यूज होता है, अगर हम ऑलरेडी फाइल में के नेम में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन यूज करते हैं, सेव एज. सी यहाँ पे नेहा की जगह टाइटल बार पे क्या हो गया है, अब नेहा वन. ओके, सो क्लास सेव एज के लिए भी हम ऐसे करते हैं, पहले कहाँ जाते हैं, वी हैव टू गो टू द फाइल टैब, देन सेव एज ऑप्शन एंड देन सेव. ओके, सो क्लास अवर फर्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग अ फॉर्मेटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मीनिंग टू चेंज द अपियरेंस. क्लास अपियरेंस मतलब हम अपने टेक्स्ट को अपियर, मतलब हम उसको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं. अपियरेंस मतलब सी, मैंने यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने लेटर्स एंड रिपोर्ट्स को क्या किया है, थोड़ा हाईलाइट किया है. जितनी भी आपकी, जैसे कि दिस इज योर हेडिंग, तो मैंने हेडिंग को क्या किया है, थोड़ा हाईलाइट किया है. तो मतलब आपको पता चल जाता है कि पहले जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर देखते हो तो फर्स्ट यू हैव टू सी द हेडिंग. सबसे पहले आप हेडिंग को देखते हो, उसके बाद आप उसके अंदर का, क्योंकि यू नो हेडिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. तो इसे हम बोलते हैं अपियरेंस को चेंज करना. ओके, अगर न्यूज़पेपर में हेडिंग नहीं आएगी तो आपको न्यूज़पेपर को पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा. तो क्लास अपियरेंस, सॉरी, फॉर्मेटिंग में आता है हमारा बोल्ड ऑप्शन. बोल्ड ऑप्शन में क्या होता है, द बोल्ड ऑप्शन अलाउ यू टू मेक टेक्स्ट थिकर एंड बोल्डर. थिकर मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग माई नेम नेहा चौधरी. ओके, सी इफ आई एम राइटिंग माई नेम, तो फर्स्ट मुझे बोल्ड करना है, तो मैं बोल्ड के लिए क्या करूंगी, आई हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. सब क्लास टेक्स्ट अगर बोल्ड करना है सो यू हैव थ्री स्टेप. क्लास मैं आपको स्टेप ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ. पहला स्टेप क्या है, आई हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन आई हैव टू क्लिक ऑन द विच टैब, होम टैब. क्लास यहाँ पे मेरी होम टैब बाय डिफॉल्ट क्लिक है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्लिक द होम टैब, देन आफ्टर होम टैब आई हैव टू गो टू द बी बटन. ओके, बी बटन, देन माई टेक्स्ट इज गेटिंग बोल्ड. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द बोल्ड बटन.
नाउ वॉट आई हैव इटैलिक बटन. क्लास इटैलिक बटन क्या करता है? इटैलिक बटन हमारे टेक्स्ट में थोड़ा टिल्ड आता है. वॉट इज द मीनिंग ऑफ टिल्ड? सी सी आई एम अगेन राइटिंग माई नेम. सो क्लास इफ आई क्लिक द आई बटन, आई बटन के लिए वॉट आई हैव टू डू, आई हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, गो टू द बोल्ड बटन एंड क्लिक ऑन द आई. सो क्लास कैन यू सी मेरा टेक्स्ट में थोड़ा सा टिल्ट आ चुका है. ऑल राइट, ठीक है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इटैलिक. ओके, और इटैलिक ऐसा नहीं है आपका हमेशा बोल्ड होएगा, यहाँ पे बोल्ड बाय डिफॉल्ट है. ओके, सो दिस इज इटैलिक. वॉट इज द यूज ऑफ? नाउ वी हैव अंडरलाइन बटन. क्लास अंडरलाइन बटन में क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, ये हमारे टेक्स्ट को क्या करता है? अंडरलाइन करता है. वॉट इट डिड? अंडरलाइन हमारे टेक्स्ट के नीचे हेडिंग. आप देख भी रहे हो हेडिंग में हमेशा सारे हेडिंग्स जितनी भी उनमें अंडरलाइन है. तो फर्स्ट व्हाट आई हैव टू डू क्लास, सबसे पहले आई हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन गो टू द होम टैब एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन यू. ओके, सो क्लास व्हाट इज दिस? हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करी. ठीक है, फॉर्मेटिंग में क्या आता है? फॉर्मेटिंग में विच ऑप्शंस कम? इन फॉर्मेटिंग वी हैव बोल्ड, वी हैव इटैलिक एंड वी हैव अंडरलाइन. ओके, सो क्लास नाउ वी हैव चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल साइज एंड कलर. अब हम फॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं? क्लास मतलब फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है मैं आपको भी दिखाती हूँ. क्लास इफ यू वॉन्ट टू चेंज द फॉन्ट, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल वी हैव थ्री ऑप्शन. क्लास अगर हमें फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं. द फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि हम होम रिबन का यूज करें, सेकेंड होता है मिनी टूल बार, एंड थर्ड वन इज यूजिंग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ. होम रिबन की क्लास सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है वो होम रिबन ही होता है. हम सबसे ज्यादा होम रिबन ही यूज करते हैं. ठीक है, तो होम रिबन में क्या है? क्लास जैसे होम रिबन में हमें अपने फॉन्ट को चेंज करना है. ओके, फॉन्ट बताती हूँ मैं, फॉन्ट क्या होता है. जैसे कि आई एम राइटिंग माई नेम नेहा चौधरी. ओके, एंड आई वॉन्ट टू चेंज द फॉन्ट. सो वॉट आई हैव टू डू क्लास, फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे? क्लास बिना टेक्स्ट को सेलेक्ट करे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग. सो क्लास इफ आई, वॉट आई हैव टू डू, होम टैब. ओके, होम टैब, एंड नाउ वी हैव दिस. सो क्लास देखिए, ऐसे करने से इफ आई सेलेक्ट बैंड स्ट्रीट, मतलब मैं कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकती हूँ. टाइम्स न्यू रोमन वी ऑल्सो हैव दिस फॉन्ट. सी टाइम्स न्यू रोमन. सो देख, कैन यू सी दिस इज डिफरेंट फॉन्ट एंड दिस इज डिफरेंट फॉन्ट. ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट. नाउ वी हैव फॉन्ट साइज. साइज जैसे कि आई वॉन्ट टू चेंज द साइज, अगर मुझे साइज को चेंज करना है, यहाँ पे मेरा साइज क्या है 26, अब मैं इसको और बड़ा कर दूंगी. ठीक है, तो साइज को हम कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट व्हाट आई हैव टू डू क्लास, वी हैव टू सेलेक्ट दी, सॉरी वी हैव टू सेलेक्ट दी टेक्स्ट, गो टू दी विच ऑप्शन, दिस वन. फॉन्ट के हम फॉन्ट ग्रुप के ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे, देन वी कैन सेलेक्ट द साइज. वी कैन ऑल्सो से 36. कैन यू सी अवर साइजेस चेंज? ओके क्लास, नाउ वी हैव चेंजिंग फॉन्ट कलर. जैसे कि आप देख रहे हो दिस इज रेड कलर, तो मैं इसको सोच रही हूँ थोड़ा ग्रीन बना दूं. ठीक है, तो नाउ आई हैव ग्रीन. आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक सेलेक्ट द टेक्स्ट, गो टू द फॉन्ट कलर ऑप्शन. फॉन्ट कलर का ऑप्शन है ना दिस वन. वी कैन ऑल्सो चेंज, वी कैन यूज एनी कलर. सी वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट मोर कलर्स, दिस वन एंड दिस वन. ओके सी, ओके. सो क्लास अभी हमने ये जो हमने फॉन्ट कलर को और हमने अपने फॉन्ट को साइज को कलर को चेंज करा, ये हमने यूज करा है होम रिबन की हेल्प से. या वी आर यूजिंग होम रिबन. क्लास ये सब हमने करा है होम रिबन. क्लास मिनी टूल बार क्या होता है? सी अगर आप इस फिगर में देखो तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिनी टूल बार. क्लास व्हाट हैपन इन मिनी टूल बार, अगर मैं कुछ अपना क्या कहते हैं
टेक्स्ट लिख रही हूँ तो क्या होता है, साइड में ऐसा छोटा सा ना ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, तो उस ऑप्शन की हेल्प से मैं उसको बोल्ड कर सकती हूँ, कलर चेंज कर सकती हूँ। सो दिस इज कॉल्ड मिनी टूल बार। अगर आप इस फोटो में देखो, मैं आपको ये फोटो थोड़ा एनलार्ज कर सकती हूँ, बट इसकी थोड़ी क्लैरिटी में प्रॉब्लम आएगी। देखो, अगर यहाँ पे हैप्पी हॉलीडेज लिखा एंड नाउ वी हैव अ मिनी टूल बार, एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है जिसकी हेल्प से हम बोल्ड, अंडरलाइन, वी कैन डू एनीथिंग। ओके, सो दिस इज मिनी टूल बार। लास्ट, दिस इज फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, अगर मुझे फॉन्ट को चेंज करना है तो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है, ठीक है, तो उसमें हमारे सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑलराइट, और जो मैंने आपको करके दिखाया था, दिस इज होम रिबन। सो क्लास, नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। क्लास, अलाइनमेंट का मतलब क्या है, कि द टर्म अलाइनमेंट रेफर टू द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट। क्लास, प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड। ओके, प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट। देखो, मैं आपसे बोलती हूँ, यू हैव टू कीप योर कॉपी ऑन योर टेबल। अगर आपको अपनी कॉपी को टेबल के ऊपर रखना है, ठीक है, तो टेबल के ऊपर रखना इज वॉट, आपको, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप उसकी प्लेस, मतलब प्लेसमेंट मतलब उसकी जगह पे रखना, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं अपना नेम लिखती हूँ, ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग हेलो एवरीवन, बट मैं चाहती हूँ कि, बट व्हाट आई वांट कि मैं इसको ही कॉर्नर में आ रहा है। प्लस देखो, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द थिंग इज अलाइनमेंट का मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, यस, अलाइनमेंट में क्या होता है, सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखा है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब क्या है क्लास, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेहा लिखा, तो सबसे पहले ये हमेशा डिफॉल्ट, मतलब मुझे अपने आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमेशा मैं जो भी लिखना स्टार्ट करूंगी वो हमेशा लेफ्ट में लिखा हुआ आएगा। सो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट अलाइनमेंट, मतलब जिस अलाइनमेंट को हमें सेट करने की जरूरत नहीं होती, दिस टाइप ऑफ अलाइनमेंट इज कॉल्ड अवर डिफॉल्ट अलाइनमेंट, दोज अलाइनमेंट्स व्हिच वी डू नॉट नीड टू सेट। ओके, सो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मींस डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज लेफ्ट, ठीक है। तो अलाइनमेंट, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने टेक्स्ट को मिडिल में करूँ, तो व्हाट आई हैव टू डू, फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन गो टू दिस ऑप्शन। क्लास, कैन यू सी द पोजीशन इज चेंज, सॉरी द प्लेसमेंट इज चेंज, यस, प्लेसमेंट चेंज हो गया, पहले लेफ्ट में था, अब कहाँ पर आ गया, सेंटर में। सपोज आई वॉन्ट टू शिफ्ट इन द राइट, सो व्हाट आई हैव टू डू, क्लिक ऑन दिस, देन राइट, ओके, सो कैन यू सी, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सेंटर में क्या करा, टेक्स्ट को सेंटर में रख दिया, मतलब लेफ्ट और राइट के बीच में, राइट में क्या करा, उसने टेक्स्ट को राइट में अलाइन कर दिया। क्लास सी, आपके क्वेश्चन आंसर्स हो सकता है आपको बहुत बड़े लगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए, मैंने आपको प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। Alright, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको अलाइन करना है तो सबसे पहले हमारा होता है कि वी हैव टू गो टू द विच ऑप्शन, वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन वी हैव टू क्लिक ऑन द होम टैब, दिस इज अवर होम टैब। क्लास में आज की वीडियो में सारा वर्क जो है वो हमारी होम टैब का, ये हमारी टैब्स होती है, देन दिस इज फॉन्ट, फॉन्ट इज अ ग्रुप। ओके, नाउ इसमें हमने कौन सी ग्रुप को यूज करा है, पैरीग्राफ ग्रुप को, ठीक है, सी पैराग्राफ ग्रुप। ओके क्लास, नाउ वी हैव लिस्ट। क्लास, एज यू नो व्हाई वी आर यूजिंग लिस्ट, हम लिस्ट बनाते हैं। ओके, लिस्ट पे हम क्या करते हैं, अब लिस्ट में क्या होता है, कभी कभी हम कुछ, जैसे कि मुझे एक चेकलिस्ट बनानी है, तो चेकलिस्ट में मैं क्या करती हूँ, जो चीजें, फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि मैंने ये वर्क कर लिया है, ये वर्क नहीं किया, तो मैं एक चेकलिस्ट बनाना शुरू करती हूँ कि जो मैंने कर लिया दिस इज राइट, एंड जो रह गया उस पर मैं कोई दूसरा मार्क लगाती हूँ। ऑलराइट, सो लिस्ट में भी ऐसे ही होता है। क्लास, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट, वी हैव ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अब लिस्ट में क्या होता है, देखो
जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ स्टेशनरी आइटम्स लिखती हूँ, ठीक है? ठीक है, स्टेशनरी आइटम्स में अब क्या होता है, मैं कुछ भी लिखती हूँ, नोट पैड एंड पेंसिल, पेंस, ठीक है, सॉरी। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनकी एक नॉर्मल लिस्ट बनानी है। सो क्लास, हाउ कैन वी क्रिएट अ लिस्ट, व्हाट आई हैव टू डू? जैसे कि सबसे पहले मुझे लिस्ट क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आई हैव टू ब्रिंग माई कर्सर वेयर आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ बुलेट और अ नंबर लिस्ट। ओके, सबसे पहले मुझे अपने कर्सर को नोट पैड पे लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट इज माई फर्स्ट स्टेप, क्लास कर्सर को बताना तो पड़ेगा ना। मैं आपको बोलती हूँ कि उस क्लास में जाओ, सपोज यू डोंट नो कि कहाँ पर है वो क्लास, तो मैं आपको बताऊंगी द क्लास इन दिस फ्लोर। तो फर्स्ट आई हैव टू ब्रिंग माई कर्सर, ओके, जहाँ पे भी मुझे इंसर्ट करना है। देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्लिक ऑन द होम टैब, ओके। इन होम टैब आई हैव अ बुलेट और नंबरिंग ड्रॉप डाउन। क्लास, वो होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप पे जाके आता है, बुलेट एंड नंबरिंग। इफ आई क्लिक ऑन दिस आई विल गॉट ऑल दी ऑप्शंस, ओके। देन व्हाट आई हैव टू डू, मैंने कोई भी टाइप करा एंड देन आई हैव क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, ठीक है? ठीक है, ऑल राइट। क्लास, यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है? अब देखो, मैं क्लिक करूंगी ना तो अपने आप ही आता रहेगा। पहले मुझे एक ही लिखना है, ठीक है? पहले से ही हम नहीं बनाएंगे इसको, मैं सारा हटा देती हूँ, ठीक है? क्लास, इसे हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर सेट नहीं है, ठीक है? ऑर्डर सेट नहीं है, ठीक है? अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट मतलब जहाँ पे हम ऑर्डर सेट करते हैं। जैसे कि मैंने एक रोल नंबर सेट किए कि पहले जो आएगा वो आयुष आएगा, ठीक है? मुझे रोल नंबर वाइज लिस्ट बनानी है, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट। जैसे कि मैंने क्या किया, अगेन यहाँ पे वन क्लिक कर लिया, ठीक है? टू अपने आप आ जाएगा, अदिति, ठीक है, आयशा, आरुषि, ठीक है? सो दिस इज अवर ऑर्डर लिस्ट, ओके क्लास? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो क्लास। मैंने आपको हर चीज बहुत ही प्रैक्टिकली समझाई है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके? सो क्लास, दिस इज टुडे, दिस इज डन फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।